हाय गाइस, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको चार MIUI की थीम्स के बारे में बताने वाला हूँ। सो काफी इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग थीम्स हैं, मिस मत करना, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर लाइक नहीं किया, लाइक तो बनता है बॉस। सो गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता देता हूँ, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस MIUI की थीम्स के ऊपर बना दिए हैं इससे पहले, जहाँ पर मैंने आपको काफ़ी अमेजिंग एंड काफ़ी यूनिक सी थीम्स बताई हैं। अगर आपको वो वीडियोस देखने हैं तो लिंक आपको आई बटन के अंदर मिल जाएगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक है, तो ज़रूर जाकर देखना और लाइक सब्सक्राइब कर देना। तो हमारी जो 4 नंबर वाली थीम है उसका नाम है Windows 10 Plus। अगर आप इस थीम को थीम स्टोर के अंदर सर्च करोगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी, और इसको डाउनलोड करके आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपके जो फ़ोन की लुक होगी वो काफ़ी चेंज हो जाएगी एंड काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर आपको कुछ इस तरह के आइकॉन देखने को मिलते हैं जो काफ़ी अमेजिंग हैं, एंड जो वॉलपेपर देखने को मिलता है वो भी काफ़ी अच्छा है। ये थीम आपके नोटिफिकेशन पैनल को और स्टेटस बार को नहीं चेंज कर दी, बट अगर आप लॉक स्क्रीन देखोगे इस थीम की तो लॉक स्क्रीन आपको काफ़ी अमेजिंग देखने को मिल जाती है। सो ये थीम आप अगर ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, बहुत ही अच्छी थीम है। अगर हम बात करें हमारी 3rd नंबर की थीम की तो इसका नाम है ग्रीन, जैसा कि आप देख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी थीम है, थीम स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगी, बस आपको सर्च कर लेना है ग्रीन, और डाउनलोड करके जब आप इसको अप्लाई कर दोगे तो आपके फ़ोन की जो लुक हो जाएगी ना वो काफ़ी अमेजिंग हो जाएगी। सो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। सो आपको कुछ इस तरह से आइकन देखने को मिलेंगे, बैकग्राउंड के ऊपर आपको बिल्कुल ब्लैक वॉलपेपर देखने को मिलेगा, एंड ग्रीन कलर में आपको सब आइकन देखने को मिलते हैं, काफ़ी अमेजिंग लगते हैं। और अगर आप नोटिफिकेशन पैनल देखोगे तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल जाएंगी, बट लॉक स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखते हो तो लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको थोड़ा बहुत चेंजेस देखने को मिल जाएगा। तो अगर आप इस थीम को ट्राई करना चाहते हो तो बिल्कुल ट्राई कर सकते हो, लिंक चेक कर लेना, शायद डिस्क्रिप्शन में मिल जाए आपको। अब हम बात करें हमारी थीम नंबर 2 के बारे में, तो इसका जो नाम है आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, Orange V11 इसका नाम है। सो काफ़ी अच्छी थीम है, बिल्कुल सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगी थीम स्टोर के अंदर, कोई भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी आपको, एंड डाउनलोड करने के बाद सिंपली अप्लाई कर देना है आपको। अप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे तो आपका जो डिवाइस की लुक होगी वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। वॉलपेपर यहाँ पर भी आपको ब्लैक ही देखने को मिलता है, बट आइकन काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं, और आप नोटिफिकेशन पैनल देखोगे तो बिल्कुल ही बदल जाए, काफ़ी अमेजिंग सा नोटिफिकेशन पैनल एंड स्टेटस बार आपको देखने को मिलती है। सो इस थीम को अगर आप ट्राई करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, ये थीम मुझे काफ़ी पसंद है। अगर आप इस थीम की लॉक स्क्रीन के ऊपर देखोगे तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलता है जो काफ़ी अच्छा लगता है, सो इसको ट्राई कर सकते हो आप। और अगर आप सेटिंग में देखोगे तो सेटिंग आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जो काफ़ी अमेजिंग लगती है। ये थीम व्हाट्सएप की थीम को भी चेंज कर देती है, और आपको जो कलर स्क्रीन है वो कुछ इस तरह से देखने को मिलती है जो काफ़ी अमेजिंग लगती है। और फाइनली अब मैं आपको बता देता हूँ थीम नंबर 1 के बारे में, तो इसका नाम है UI 12। काफ़ी अच्छी थीम है, आपको UI 12 मतलब MIUI 12 के काफ़ी सारे फीचर इस थीम के अंदर देखने को मिल जाते हैं। सिंपली ये चीज़ आपको सर्च कर लेनी है, आपको मिल जाएगी, डाउनलोड करना हुए तो अप्लाई कर देना। सिंपली अप्लाई करने के बाद अगर आप देखोगे ना तो आपका जो फ़ोन की लुक होगी वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग एंड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। सो कुछ इस तरह का आपको बैकग्राउंड में वॉलपेपर देखने को मिलता है, एंड आइकन भी आपको MIUI 12 के जैसे देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं। एंड अगर आप इसका नोटिफिकेशन पैनल देखोगे ना तो काफ़ी अमेजिंग लगता है, जो आपको बिल्कुल MIUI 12 के जैसे देखने को मिल जाता है, बट उधर कंट्रोल सेंटर है तो इसकी लॉक स्क्रीन के ऊपर आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिलता है। सो यहाँ से स्वाइप डाउन करोगे ना तो यहाँ पर आपको कंट्रोल सेंटर देखने को मिल जाता है जो काफ़ी अमेजिंग वर्क करता है। और अगर आप सेटिंग में जाके देखोगे ना तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल MIUI 12 वाली ही लुक देखने को मिलती है। सो ये थीम मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा, ज़रूर इस थीम को ट्राई करना, काफ़ी अमेजिंग थीम है, एंड डाउनलोड लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, चेक ज़रूर कर लेना, नहीं तो आपको कैसे डाउनलोड करने हैं, सारे के सारे थीम आपको थीम स्टोर के अंदर मिल जाएंगी, सो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज के लिए ये 4 थीम्स थी, आई होप आपको ये थीम्स अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी होंगी तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना, और अपना ओपिनियन कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे और इंटरेस्टिंग वीडियो में, बाय।